सो व्हाट इज अ ब्यूटीफुल पीपल, कसका है मंडई, कसा है पब्लिक, मजे में ना। सो आज अपन आए हैं एक और अमेजिंग जगह, वो भी है पुणे में। तो पुणे में कहाँ पे, पिंपरे गुरुओं में। और यहाँ पे एक से बढ़कर एक पराठा मिलते हैं, तुम देख पा रहे होंगे ये है पराठा हाउस। तो यहाँ पे अपन एक से बढ़कर एक खतरनाक पराठा ट्राई करने वाले, जो कि मेरे दोस्त का है, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, तो हम उससे भी बात करते हैं। और यहाँ पे पराठा एक से बढ़कर एक दबाते भी है, तो चलिए चलते हैं अभी अंदर और दबाने का तो काम करते ही है, ठीक है, चलो। यहाँ पे ऐसा है कि जो मेरा दोस्त है उसकी मम्मी पराठा बनाती है, सो उसमें मतलब पराठे में पूरा माँ का प्यार रहेगा, है बिल्कुल पूरा माँ का प्यार है। हाँ, अभी पराठा खाएंगे तो बार बार आओगे, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, है ना आंटी। यस, ये अभी आलू का बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे और कौन सा बनेगा आंटी? आलू का है, गोभी का है, पनीर का है, मेथी का है, सब का है, मतलब सब पराठे। तो मैंने आंटी ने को बोला है कि पुणे से लोग आते हैं आपके पराठा खाने। हाँ आए ना, दो तीन बार आए, सब पुणे से आए खाने के लिए, बोलते आपका एक बार खा के गए आंटी, वापस मन करा फिर आए। संडे को छोले भटूरे खा के गए, राजमा चावल खा के गए, सरसों का साग खा के गए, मक्की की रोटी बनाई थी वो खा के गए मेरे साथ आके बैठ के। अरे बाप रे, मतलब पंजाबी का सब खाना मिलता है यहाँ पे, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। कितने लड़के भी मेरे पास अभी लॉकडाउन में रहे ना, सब खाना खा के अच्छे हटे कट्टे हो गए, बोलते आंटी मम्मी को कोई टेंशन नहीं है, बोलते मम्मी जैसा खाना बनाती है आंटी हमें कोई परेशानी। उनकी मम्मी बोलती एक दिन मेरे से बात करके कि इतना अच्छा खाना दिया हमारे बच्चों को कि हमारे बच्चे जरा भी वीकनेस नहीं आया, कमज़ोर नहीं हुए, इतना अच्छा खाना दिया आपने, मेरे को थैंक यू बोला उन्होंने। अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं आपने आपने बोला मतलब अभी हमको विश्वास हो ही गया। एक बार का वो बोल दिया तो विश्वास ना हो। तो हमारे यहाँ पे आलू का पराठा बन गया है, और अब ये मेथी का भी इसमें लग गया है, और पनीर का रहेगा, और कौन सा रहेगा? पनीर का है अभी और गोभी का है। वाह 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 वाह, अभी खाते हैं वो भी अभी। ये पनीर का बन रहा है ना? नहीं नहीं, ये गोभी का है। गोभी का है, के लिए दो रोटी बनानी पड़ती है, एक मिक्स करके डालना पड़ता है दूसरे से, फिर ऊपर को प्रेस कर देना चाहिए उसको, दोनों को ऐसे कर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब डायरेक्ट ऐसे रोटी में डाल के नहीं बनती है? नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं बनता, डायरेक्ट आप बनाओगे तो टूट जाएगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे ही बनेगा वो। आंटी साथ में बनाते बनाते टिप्स भी देती है कि ऐसा बनाओ, ऐसे बनाना चाहिए, टूटता नहीं है जल्दी। मैं बोला आप भी आओगे ना, एक बार खा के जाओगे ना तो वापस आओगे आंटी के हाथ का पराठा खा के। अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल, आओगे आओगे जरूर आओगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आऊंगा अभी साथ को, साथ में लेके भी आऊंगा दो तीन जन को। तो यहाँ पे हमको एक रेगुलर कस्टमर मिल गया यहाँ के, एकदम मतलब रोज आते हैं यहाँ पे खाते हैं, जैसे हमको आंटी ने बताया कि हमको रोज आते खाते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या अच्छा लगता है? आलू परोठा, गोभी परोठा, मेथी परोठा, मतलब इतना बेस्ट है भाभी के हाथ का खाना, क्या बताओ, जादू है इसके हाथ में, एक नंबर। हमने भी सुना था तो आज हम ट्राई तो करने वाले, और हमसे भी आपसे भी हमने सुन लिया अभी यहाँ पे तो। और भाभी के इधर सबसे मेन मतलब है जो टेस्टी है परोठा के साथ पुदीना का चटनी, वो एकदम सीक्रेट चटनी है, किधर भी नहीं मिलेगा वो चटनी। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर चटनी। और कुछ भी खाओ राइस के साथ, कोई भी भाजी, छोले भटूरे बोलो, गावर बोलो, राजमा, टू गुड। अच्छा, शायद आंटी बंगाली है और उनको पराठा इतने पसंद है। हाँ, बहुत तो अभी ट्राई करते हैं अपन।
तो अभी चलो चलते हैं, अभी ट्राई करते हैं, ठीक है? चलो बाय। तो सबसे पहले यहाँ पे हम खाने वाले हैं, पास में थोड़ा सा, तो ये अपन खाने वाले हैं आपका आलू पराठा। तो ये पुदीना की चटनी है साथ में, ये तरीका है ना खाने का, और कुछ चालने का तरीका है पंजाबियों का? नहीं नहीं यही है। भाई नेक्स्ट नंबर है भाई तेरा, सही है, रोज पराठा खाने को मिल जाए। नहीं मैं स्टार्ट किया उसके बाद से मैंने एक या दो खाए रहेंगे भाई, रोज देख रहा हूँ बंदे हुए ना नहीं होता है। मेरा सबसे फेवरेट वैसे देखा जाए तो गोभी का है एंड प्लस मेथी, ये दोनों। ये गोभी का है ना? ये गोभी का है और ये मेथी का है मोस्टली कभी मेरा मन, ये मेथी का, ये गोभी का जी, और वो पनीर का। तो जब भी मेरा मन करता है तो मैं मतलब मेथी में, मोस्टली मेथी मेरा फेवरेट है और एल्स गोभी। भाई आलू का तो बहुत सही है, तो भी नेक्स्ट बढ़ते अपन ये गोभी का। जैसे हमने आंटी ने बताई थी कि गोभी का ऐसे एक के ऊपर एक रोटी एकदम रख के स्टफ रहता है तो बन के रहता है, और बटर भी बहुत ऐसा मतलब फैला के डाला हुआ है, कोई बिल्कुल कंजूसी नहीं बटर डालने में भी। ओ चटनी भी एक नंबर है, जैसे उन्होंने कस्टमर बोला था कि चटनी आगे बहुत अच्छी है, सही में बहुत अच्छी है। दही और पुदीना चटनी मिक्स कर लो, फ्लेवर ऐड ऑन ले लेना। ओ ऐसा भी रहता है। अपने अकॉर्डिंग खतरनाक खतरनाक, काही विषय नाही, माटी म्हणजे म्हटलं म्हणजे एक नंबर मिशन है, जबरदस्त। तो ये मैंने गोभी खाया और आलू खाया, नहीं गोभी खाया और आलू खाया। अभी ये आप पे मेथी और पनीर, तो इसके प्राइजेस क्या है? जो गोभी का है इसका 70 है, जो गोभी 70, आलू आलू 60 है, आलू 60, मेथी का भी 60 और पनीर का 90 है। ओके ओके, तो प्राइजेस के हिसाब से और टेस्ट तो बहुत सही है, मतलब वैल्यू फॉर मनी है। और ये कितना, 60 का नहीं वाला? हाँ 60 का। अच्छा मुझे जज करना ही नहीं है, फूड बहुत सही है। इन द एंड क्या बोलूँ मैं, अभी मैं खाना चाहता हूँ एक, मैं खा लेता हूँ दो तीन बार, कंट्रोल नहीं हो रहा है। भूख भी इतनी लगी थी सुबह से, और भाई ने बुला दिया और सोने पे सुहागा हो गया वो। और आंटी के हाथ का खाना, आंटी देखो वहाँ पे खड़ी है, आंटी को दिखा दो एक बार, आंटी थैंक यू आंटी। मस्त आंटी, ये लास्ट पनीर वाला, ये भाई का बच्चा है, नाम क्या है इसका? परमवीर। परमवीर परमवीर, बहुत वीर बनेगा तू। जाएगी वो। तो ये लास्ट पनीर वाला है भाई, सबसे बेस्ट मेरे को ये लगा पनीर वाला। मैं बताया तुम्हें मोस्ट सेलिंग ये है और आलू का है, तो यहाँ पे मोस्ट सेलिंग आलू और पनीर है, मतलब आलू का पनीर का तो एक ही नंबर लगा मेरे को, बाद में ऐसा आलू, बाद में ये गोभी, बाद में ये, और डिपेंड करता है। अभी मेरे को ज़्यादा पनीर पसंद है तो मैं पनीर का पहले लिया, भाई सब डिपेंड कर रहा है क्या पसंद है। अभी इसको भाई को ये ज़्यादा पसंद है ना, सबका चॉइस अलग होता है, सबका चॉइस अलग होता है, अलग अलग होता है। तो अभी हमको खाने दो और तुमको फिर मिलते हैं लास्ट में। तो अभी दबाते हैं, अभी कैमरा भी देख रहा है हमारा दोस्त है नितिन करके, वो भी देख रहा है कब ख़त्म होता है इनका। तो अभी खाते हैं हम, थोड़ा एंजॉय करने दो और चलो मिलते हैं लास्ट शॉट में, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक से बढ़कर एक पराठा खाया, आंटी ने एक से बढ़कर पराठा बनाई थी, और यहाँ पे अभी आखिरी में लस्सी है, आंटी ने बड़े प्यार से लस्सी दी है। और आंटी मतलब खिलाती तो अच्छा ही है और बातें बहुत अच्छी करती है, सबसे अच्छी बात ये है, तो वहाँ पे मन खुश हो जाता है। और भाई तुम ये जगह का एड्रेस बता दो। ये आप पिंपलगुरु में आओगे, किसी को भी पूजा हॉस्पिटल लेन पूछिए, पूजा हॉस्पिटल लेन के यहाँ पे आके ब्लैक का सलून, ब्लैक के सलून के एकदम अपोजिट में अपना शॉप है। अच्छा, तो मैं जितना भी इसका एड्रेस होगा मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी। और ये आखिरी में अपन लस्सी ट्राई करने वाले यहाँ की, बहुत सही,
ऐसे लस्सी हर जगह ना गाड़ी गाड़ी मिलती है तो पर प्रॉपर पंजाबी वाले ऐसे एक्चुअली बड़ा ग्लास भी रहता है, ये स्मॉल साइज है और ऐसी पतली रहती है पंजाबी में ना, मतलब लस्सी में हर जगह गाड़ी गाड़ी मिलती है, लार्ज साइज वो इतना बड़ा आता है वो अलग भाई पंजाबी इतना खाने के बाद ये रिफ्रेशमेंट बहुत सही है। तुमको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और यहाँ पे विजिट भाई के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का से करना है, हाँ पक्का करना है और यहाँ पे विजिट भी करना है। और एक बात, और एक बात, एक आखिरी बात रह गई, और तुम जोमेटो पे ऑर्डर करते हो, तुम ये पिंपरी की इसके आसपास एरिया में रहते हो, पुणे में रहते हो, तुमको ऑर्डर करना हो तो तुम कल्पक 10 कोड डाल सकते हो और तुमको वहाँ पे ऑफर भी, तुमको ऑफ मिल जाएगा। और तुम यहाँ पे भी आते हो पर्सनली तो तुम यहाँ पे उनको बोल सकते हो कि साहब भाई को भाई कल्पक का दोस्त मेरा वीडियो देख के आया, आपके सजेशन से आया, तो तुमको भी थोड़ा बहुत ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, है क्या नहीं भाई? हाँ भाई पक्का पक्का, तुम्हारे तो हमारी ऑडियंस हमारी दोस्त तो ठीक है, ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय।